एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर में आपको बता दें, उत्तर प्रदेश से मौसम को लेकर अभी अभी एक बड़ी खबर आ रही है कि उत्तर प्रदेश के लखनऊ समेत इन इलाकों में होगी तेज बारिश। जानिए आज कैसा रहेगा यूपी में मौसम का हाल। वीडियो में देंगे हम आपको पूरी जानकारी। वीडियो को आखिर तक देखें और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मौसम समाचार में आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ समेत प्रदेश के कई जनपदों में एक हफ्ते से उमस भरी गर्मी का सिलसिला जारी है। तेज धूप होने के कारण एक हफ्ते के भीतर लखनऊ तथा उससे सटे कई अन्य जनपदों में तापमान 4 से 5 डिग्री तक ऊपर पहुंच गया है। मानसून की सक्रियता कमजोर तथा दिन के वक्त तेज धूप होने के कारण इन दिनों लोगों की मुसीबत और ज्यादा बढ़ी हुई है। भारतीय मौसम विभाग का अनुमान है कि लखनऊ समेत प्रदेश के कई अन्य जनपदों में आज पूरे दिन आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। इस दौरान प्रदेश के कई अन्य जनपदों में भारी बारिश होने की संभावना भी है। इसी बीच आपको बता दें कि लखनऊ का मौसम आपको बता दें कि बीते 4 से 5 दिनों के मुकाबले थोड़ा ठंडा रहने का अनुमान है। भारतीय मौसम विभाग के मुताबिक राजधानी लखनऊ तथा उससे सटे अन्य जनपदों में आपको बता दें आज सुबह से बादल छाए रहेंगे और आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के कई अन्य जनपदों में भारी बारिश होने की संभावना है। वहीं रात होते होते लखनऊ के गोमती नगर, इंद्रनगर, मोहनलालगंज, आलमबाग तथा अन्य हिस्सों में तेज बारिश भी हो सकती है। भारतीय मौसम विभाग के मुताबिक लखनऊ समेत उत्तर प्रदेश के कई अन्य जिलों में अगले 72 घंटों के दौरान तेज बारिश होने की संभावना है। इस अवधि में तेज हवाओं और गरज के साथ बिजली भी गिरने की संभावना है। इसी बीच आपको बता दें कि भारतीय मौसम विभाग आपको बता दें विभाग ने आज पूरे उत्तर प्रदेश में यह भी बताया है कि आज शुरू से बादल छाए रहेंगे और आपको बता दें कि कई हिस्सों में बारिश होने की भी संभावना है, जिस कारण लोगों को कई दिनों से चली आ रही उमस भरी गर्मी से राहत मिलेगी। मौसम विभाग का अनुमान है कि आज बारिश के बाद आपको बता दें तापमान में 3 से 4 डिग्री की गिरावट दर्ज की जाएगी। इसी बीच आपको बता दें कि मौसम विभाग के मुताबिक उत्तर प्रदेश में अभी फिलहाल तेज बारिश की संभावना नहीं है। बता दें कि इसी बीच यूपी के ज्यादातर हिस्सों में बादल छाए रहेंगे, लेकिन ये बादल बारिश करेंगे या नहीं इसका ठीक अनुमान नहीं है। पश्चिमी यूपी में जरूर अगले 3 से 4 दिनों में बारिश की संभावना है। पश्चिमी यूपी के कुछ हिस्सों में अगले 24 घंटों में बारिश भी होगी। यहां हल्की बूंदाबांदी हो सकती है। पूर्वी यूपी में आज भी कड़ी धूप निकली हुई है। पूर्वी यूपी के लोगों को अच्छी बारिश के लिए अभी और इंतजार करना पड़ेगा। हर साल अभी तक पूरे उत्तर प्रदेश में मानसून सक्रिय हो जाता है, लेकिन इस बार ये बहुत देर कर गया है। वीडियो के आखिर में आपको बताते चले कि देश के अधिकांश हिस्सों में जमकर बारिश हो रही है। हालांकि राजधानी दिल्ली समेत उत्तर भारत के कुछ राज्यों में कुछ राज्य इससे अछूते हैं और उमस भरी गर्मी लोगों को सता रही है, लेकिन मौसम विभाग का अनुमान है कि आज इन राज्यों के लिए खुशखबरी लेकर आया है। देश भर में बने मौसमी सिस्टम की अगर बात करें तो IMD के मुताबिक चक्रवाती हवाओं का एक क्षेत्र दक्षिण राजस्थान और दक्षिण पाकिस्तान के आसपास के हिस्सों पर बना हुआ है। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली NCR में आपको बता दें आज बारिश भी हो सकती है। आज दिल्ली में न्यूनतम तापमान 26 और अधिकतम तापमान 33 डिग्री रहेगा। मौसम विभाग की माने तो दिल्ली में आज से अगले कुछ दिनों तक बादलों का डेरा रहेगा और बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेंगी। उम्मीद करते हैं दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई होगी। ऐसी ही ताज़ातरीन खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।